भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 18 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आरोपी सड़क पर लोगों के मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे और वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। वहीं पुलिस गैंग के बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। मोबाइल लूट गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 18 मोबाइल किए बरामद। पुलिस ने 18 मोबाइल बरामद किए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतपाल, भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर मोबाइल चोरों को पकड़कर उनसे 18 मोबाइल जब्त किए हैं। क्या कुछ उन लोगों से पता लगा पाई है पुलिस? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर शहर में कई दिन से मोबाइल लूट की वारदातें हो रही थी। लोग बात करते हुए मोटरसाइकिल आकर पीछे मोबाइल छीनकर ले जाते, या बात करते हुए कैसे भी उनको मोबाइल लूट कर भाग जाते थे। कई घटनाएं ऐसी हुई, तो इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने एक टीम गठित की और इसे मोबाइल लूट के निगाह रखने के लिए पुलिस टीम को गठित किया गया। और कल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और 18 मोबाइल भी उनके बरामद किए हैं। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पता है ये भी जा रहा है कि उसमें कुछ बाल अपचारी भी हैं, दो बाल अपचारी भी हैं उसमें शामिल। अब इनसे सबसे पूछताछ की जा रही है कि कहां कहां से इन्होंने मोबाइल लूटे हैं, कहां कहां बेचे थे। पुलिस सारी उसकी जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी। जी सतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।